हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं हम कि परमेश्वर की उपस्थिति में होते हुए हम सब आज चाहते हैं कि हम उनकी इच्छा के मुताबिक उनके अनुसार अपने जीवन को चलाने वाले बन सके। और परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए जो उसने अवसर दिया है कि हम परमेश्वर की महिमा कर सके। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ पिता परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु कि आपने हमें अपने प्रेम से परिपूर्ण रखा है, अपने अनुग्रह में रखा है। और इस बात के लिए मैं आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु कि तेरी संगति हमें प्राप्त हो रही है प्रभु जी। और जब तेरे वचन की रोटी को तोड़ने के लिए तैयार है प्रभु, आप सहायता कीजिए, पूरी रीति सबको संभालना, विशेषकर तेरी बेटी को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आप सहायता कीजिए, मदद कीजिए, अपना अनुग्रह दीजिए, पूरी रीति संभालना। खुदावन हमारा यहाँ गाना गाना और खुदावन तेरी महिमा करना तुझे पसंद हो सके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमको संभाल रखा अब तक। और जितने प्यारे भाई बहन उसमें ऑनलाइन आते हैं उन सबको तेरे हाथ में दे। पिता परमेश्वर के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्रात्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आइए हम सब परमेश्वर की आराधना में चलेंगे, उसकी महिमा करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। तेरे प्यार की कोई ना तू ना
आप सभी को जय मसीह की। आज के सुंदर रात्रि में एक बार फिर से आप सभी का हम वेलकम करते हैं और हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि आज की इस रात्रि में एक बार फिर से प्रभु ने हमें संभाला, अपने अनुग्रहकारी हाथों के तले हमें सुरक्षित रखा है और इस घड़ी तक, इस रात्रि तक हमें इस योग्य ठहराया कि हम अपने पिता का नाम ले पा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। वो पिता जो दयालु पिता है, वो पिता जो अनुग्रहकारी है, वो पिता जिसकी कृपा, जिसकी भलाई और जिसकी करुणा सदैव हमारे साथ बनी है। प्रेज द लॉर्ड। और यही उसकी महान करुणा का फल है कि हम मिट नहीं गए। प्रेज द लॉर्ड। और वो हमें हर पल हमें अपनी सांसों से हमें परिपूर्ण करता है और उसी के अनुग्रह से हम सभी जीवित पाए जाते हैं और प्रभु ने हमें जीवित इसी उद्देश्य से रखा है कि हम सभी भाई बहन मिलकर परमेश्वर की आराधना कर सके, प्रभु को धन्यवाद दे सके। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और आज का वचन आज मेरे लिए आपके लिए है मेरे प्रियो। और हम कई जगहों पर पढ़ते हैं कि अनंत जीवन का वारिस कौन है। हम इस संसारिक जीवन की चाह रखते हैं कि हमें और जीना है अपने बच्चों के लिए। जीने की चाह हम सभी की है। और जब हम कई बार कहते हैं अरे अब तो हम रिटायर हो गए या बच्चों की शादी हो गई है तो हम अपने कामों से फुर्सत पा लिया है, लेकिन नहीं मेरे प्रियो, जब हमारे बच्चों की शादियां हो जाती हैं, उनके परिवार बढ़ने लगते हैं तो हमारा लगाव, हमारा रिलेशन और भी बढ़ने लगता है, और भी चाहत हमारी बढ़ने लगती है कि नहीं हमें और जीना है। प्रेज द लॉर्ड। और हमें सांसारिक जीवन पर ही हमारा फोकस, लेकिन परमेश्वर हमें अनंत जीवन देना चाहता है, वो जीवन जो कभी जीवन खत्म ना हो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और हमने कलाम में भी कई जगह पढ़ा है कि अनंत जीवन का वारिस कौन है, लेकिन एक जगह ज्यादा प्रभु के वचन पर फोकस किया गया है कि जिस व्यक्ति का मन जिन चीजों में लगा रहता है या अपने जीवन में जिस चीज को ज्यादा स्थान देता है उसको वो छोड़ नहीं सकता, जिसका वो आदि हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आज के विषय के अनुसार हम इस व्यक्ति के बारे में सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं और वहां पर जो विषय है वहां पर यह है कि धन क्या परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कराएगा। धन पर भरोसा रखना बुद्धिमानी है या मूर्खता। प्रेज द लॉर्ड। धन
जिसके पीछे हर एक मनुष्य चाहता है कि उसके पास धन ज्यादा हो। शायद हम धन पर ज्यादा डिपेंड रहते हैं कि धन ही एक ऐसी चीज है जो हमें हर प्रकार की तकलीफों से हमें निजात दे सकता है। धन ही ऐसा है जिससे हम बहुत चीजें खरीद सकते हैं, यहाँ तक कि बीमारियों के हम इलाज करा सकते हैं, यहाँ तक कि हम जीवन भी ले सकते हैं, हम जीवन को भी खरीद सकते हैं। और हमने पिछले समय में देखा होगा जब कोविड का समय आया, लोग कितने परेशान, धनवान, यहाँ पर धन की बात हो रही है, क्योंकि जब हमारा भरोसा धन पर है कि जितना हमारा बैंक बैलेंस ज्यादा होगा उसमें हमें किसी प्रकार की कमी घटी नहीं होगी। लेकिन जैसे मैं बता रही हूँ कि कोविड के दौरान जैसे हम सभी भाई बहनों ने भी देखा कि लोग जीवन पाने के लिए इधर उधर मारे मारे फिर रहे थे, धन होते हुए भी, पैसे होते हुए भी, वो ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने के लिए उसकी कीमत उस समय कितनी हो गई थी मेरे प्रियो, हम सब जानते हैं। सारे वो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट जहाँ जिसकी जरूरत थी हमें, उसकी कीमत चौगुनी, पांच गुनी, छह गुनी हो गई। लेकिन धन से खरीदने के लिए भी वो चीजें नहीं मुहैया हो रही थी, वो सिलेंडर नहीं मिल रहे थे कि हम कितने भी पैसे हम खरीद सकते हैं या खर्च कर सकते हैं। लेकिन नहीं, जीवन देने वाला सिर्फ हमारा पिता है, प्रेज द लॉर्ड। ये जो जीवन, ये जो सांस है, हम सब ले रहे हैं, प्रभु की कृपा है, प्रभु का अनुग्रह है, उसने हमारे नथनों में श्वास फूंका, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ही है जो हमें जीवन देता है, प्रेज द लॉर्ड। धन पर, इस संसार की वस्तुओं पर, अपने शायद बैंक बैलेंस पर होगा, और हमारी सोच, हमारा विचार यही रहता है कि हमारा बैंक बैलेंस ज्यादा बना रहे तो रिटायरमेंट के बाद कौन हमारी देखभाल करेगा। और अपने मुख से ही हम, अपनी जीभ से ही हम अपने लिए मृत्यु की घोषणा करते हैं कि हम रिटायरमेंट के बाद ही, हम जब हम बूढ़े हो जाएंगे, बुढ़ापे में हमारी कौन मदद करेगा, हम बीमार पड़ जाएंगे, हमारी सहायता कौन करेगा, पैसे तो काम आएंगे। हम अपने मुख से, अपनी जीभ से पहले ही अपने लिए घोषणा कर देते हैं, जबकि वचन हमें बताता है कि हमारी जीभ में जीवन व मृत्यु है। हालेलुया। अपने जीभ से हम जैसा अंगीकार करेंगे वैसे ही हमारे जीवन में होगा। आमेन। हमने अपने जीवन में जैसा अपने जीवन के लिए चाहेंगे वैसा ही होगा, क्योंकि हमारे शब्दों में सामर्थ्य है, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर हमें सिखाता है कि हमारी जीभ में जीवन और मृत्यु दोनों ही है। तो हम बात कर रहे थे धन पर निर्भर रहने की, क्या धन हमें उस अनंत जीवन में प्रवेश करा सकता है। और हम इसके बारे में कई जगह पर पढ़ते हैं, हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 19 अध्याय में 16 से 30 में पढ़े, वहां पे भी हम पढ़ सकते हैं। हम लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय 18 से 30 में भी जब हम पढ़े उसमें भी हम पा सकते हैं। और जब हम मरकुस 10 में पढ़ते हैं वहां पर धनी युवक और अनंत जीवन के विषय में प्रभु के सामने ये बात स्पष्ट हो जाती है कि जब प्रभु यीशु मसीह मार्ग में जाता था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं। प्रेज द लॉर्ड। आज हमारे सामने भी यही विषय है, हमारे सामने भी यही प्रश्न उठता है। हम संसारिकता में तो खोए रहते हैं, लेकिन जहां मरने की बात आ जाती है तो उसके बाद की बात अब हमारे उसपे सोच विचार करने लगते हैं। और यदि हम सबसे पूछा जाए कि क्या स्वर्ग में प्रवेश करना चाहते हो, तो हम में से कोई ना होगा जो ये कहे नहीं, हम नहीं चाहते। हर एक जन स्वर्ग में प्रवेश करना चाहता है, स्वर्ग के राज्य का अधिकारी होना चाहता है, परमेश्वर के राज्य का अधिकारी बनना चाहता है। लेकिन वहां पर एंट्री के लिए बहुत सी बातों का हमें फॉलो करना होगा मेरे प्रियो। यहाँ पे यही मनुष्य जो दौड़ता हुआ प्रभु यीशु मसीह के सामने आ रहा है और घुटने टेक कर पूछ रहा है कि हे गुरु, मैं अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए क्या करूं। यीशु मसीह कहते हैं कि तू मुझे उत्तम क्यों कहता है। प्रेज द लॉर्ड। उत्तम तो सिर्फ एक ही है, अर्थात परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड, जो उस स्वर्ग में विराजमान है। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु पूछता है प्रभु यीशु मसीह से, तो मेरी आज्ञाओं को जानता होगा और तू तो जानता है कि हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना,
छलना करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। हमसे भी पूछा जाए तो हम भी जवाब हमारे पास है, नहीं हम तो दिन रात प्रभु के वचन का मनन करते हैं, प्रार्थनाओं में भी हमारे समय बीतता है, हम तो लोगों की हेल्प करते हैं, हम संडे सर्विस हमारे रेगुलर हम अटेंड करते हैं, प्रेयर मीटिंग्स अटेंड करते हैं, प्रभु के दासों का संदेश हम यूट्यूब पर फेसबुक पर सब सुनते हैं, हम भी कहते हैं। लेकिन प्रभु क्या कहता है, वो युवक वो मनुष्य जो प्रभु के पास आता है वो क्या जवाब देता है, गुरु इन सब बातों को तो मैं लड़कपन से मानता आया हूं। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया। प्रेज द लॉर्ड। जब माता पिता अपने बच्चों से पूछते हैं ना कि तुम ये काम करते हो और वो हाँ बोलते हैं, गलत बातों के लिए कभी एक्सेप्ट नहीं करते कि नहीं मैं झूठ बोलता हूँ या नहीं मैं तो मैंने कॉलेज की पढ़ाई नहीं की है, मैं कॉलेज रेगुलर नहीं जाता, स्कूल नहीं जाते, या मैं अपने पढ़ाई को रेगुलर नहीं करता, या मैं अपनी सर्विस पर रेगुलर नहीं हूँ, किसी भी बात में हम झूठ बोल देते हैं। लेकिन माता पिता अपने बच्चों की मनों को जानते हैं, उनके जीवन की हर हरकतों को जानते हैं। यहाँ पर जब ये शब्द लिखा है ना कि यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया, यीशु मसीह उसके सारे हालात को जानता था, उस पर प्रेम से भरी दृष्टि को डाला और उससे कहा तुझ में एक बात की घटी है, बेशक तू ये सब कुछ लड़कपन से मानता आया है लेकिन एक बात की घटी है। आज भी हम जब प्रेयर मीटिंग में एक परिवार में थे तो वहां पर भी प्रभु के दास के द्वारा ये वचन दिया गया। जब हम प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं, वहां सातों कलीसियाओं के बारे में पढ़ते हैं, वहां सबसे पहले बताया जाता है कि इस कलीसिया में क्या क्या काम अच्छा होता है। मैं तेरे धीरज को जानता हूँ, मैं तेरे पहले प्रेम को जानता हूँ, मैं तेरे अच्छे कामों को जानता हूँ। लेकिन बाद में एक सेंटेंस हर एक कलीसिया के लिए वहां लिखा है, परंतु मैं तेरे कामों को जानता हूँ लेकिन तुझ में एक बात की घटी है। हालेलुया। आज हम सबको अपने अपने जीवन की घटियों को समझने की जरूरत है। हम शायद जानते तो हैं लेकिन उसको स्वीकार नहीं करते। तुझ में एक बात की घटी, आज पर प्रभु हमसे बात कर रहा है। मेरे प्रियो, हम बेशक ही बोलते हैं कि हम अपने कामों को, प्रभु हमारे कामों को जानता है। मेरे प्रियो, हम अपने मुख से चाहे हम कितना कहते रहे, नहीं हम तो प्रभु के वचन को बड़े गहराई से जानते हैं। लेकिन प्रभु कहता है आज, परंतु तुझ में एक बात की घटी है, उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। प्रभु को पाने के लिए, अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए, प्रभु के राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, सब कुछ। लेकिन जैसे ही इस बात को वो व्यक्ति सुनता है, उसके चेहरे पर उदासी छा जाती है। हमसे भी जब प्रभु की सेवा के एवज में उसके बदले में कुछ मांगा जाता है, हम नहीं दे पाते। हम बाकी संसारिक चीजों के लिए तो हमारे पास खर्च करने के लिए बहुत धन है, बहुत धन है, लेकिन प्रभु के कामों के लिए, हमारे पास खर्च करने के लिए हम तुरंत सामने वाले पर दोष लगाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि हमारे पास, हमें न्याय करने का अधिकार नहीं है। अधिकार सिर्फ न्याय करने का सिर्फ हमारे पिता को है, जो न्यायी बनकर एक दिन आने वाला है। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। मेरे प्रियो, हम दूसरों का न्याय करने के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं, तुरंत उसकी हम आलोचना करने लगते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और जब हम जहां जहां चर्च की बात करते हैं, वहां की पास्टर कमेटी की बात करते हैं, पास्टर कमेटी के सदस्य होने के लिए सभी आतुर रहते हैं, सभी तैयार रहते हैं, शायद हमारा पासवान कोई चोरी तो नहीं कर रहा, क्या कमेटी के लोग मिलकर गड़बड़ियां तो नहीं कर रहे। बेशक वो अपने जीवन में प्रभु के कामों के लिए कोई समय भी नहीं देते, लेकिन दोषारोपण करने के लिए हर एक जन तैयार है। आज यही बातें हमें अपने जीवन में देखनी है, जांचनी है कि हमारे जीवन में क्या घटी है। बेशक हम अपने नजरों में शायद बहुत धर्मी है, बहुत बड़ा बड़ा अमाउंट हम डोनेशन में देते हैं, प्रभु के नाम में देते हैं, प्रभु के भवन में हम देते हैं, प्रभु के भवन के में जो जो चीजें जरूरत है हम उसके लिए खर्च करते हैं, लेकिन
अगर अनाउंसमेंट ना हो तो हम अपने पासवान से क्रोधित हो जाते हैं। लेकिन प्रभु का वचन ये सिखाता है कि जब तुम अपने दाएं हाथ से दे तो तेरा बाएं हाथ ना जाने। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हमें जब तक हमारी वाहवाही ना हो, जब तक अनाउंसमेंट ना हो, जब तक कि 10 लोग हमारी प्रशंसा ना करते, अरे भाई तुम तो बहुत अच्छे काम करते हो, तब तक हमें संतुष्टि नहीं होती। लेकिन प्रभु का वचन सिखाता है कि यदि प्रभु के कामों में, प्रभु की सेवाओं में यदि कुछ भी अर्पित करते हो और लोगों से प्रशंसा चाहते हो तो तुमने प्रतिफल पा लिया। प्रभु से कोई गुप्त बातें जानता है, प्रभु हमारे मन की बातें जानता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस व्यक्ति से कहता है, बेशक तू लड़कपन से ही सब बातें मानता है, मेरी आज्ञाओं को मानता आया है, मेरे वचनों को तू जानता है, मेरे वचनों का प्रकाशन तेरे पास है। लोग कहते हैं ना कि मेरे हमारे पास पवित्र आत्मा, उस कलीसिया में जाओ तो पवित्र आत्मा नहीं है वहां पर। हम कैसे कह सकते हैं पवित्र आत्मा नहीं है? पवित्र आत्मा हमें नहीं सिखाता हम दूसरों पर दोषारोपण करें, दूसरों पर उंगली उठाएं। पवित्र आत्मा हमें नहीं सिखाता। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमें प्रभु के स्वभाव में लाना जानता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु चाहता है हमारा स्वभाव प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव की तरह बनने पाए। नम्र व दीन, गाली खाकर गाली नहीं देता था, लोग उसे पेटू, बालजबूल ये शब्द कहकर उसे पुकारते थे, लेकिन उसने अपने मुख से एक शब्द नहीं निकाला। जब परमेश्वर के कामों के लिए वो निकला, 3.5 वर्ष तक उसने प्रभु की सेवा की, इनके दौरान, इन सालों के दौरान उसने किसी को भी दोष नहीं लगाया, उसने अपने मुख से एक शब्द अपशब्द ना बोला। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन यदि आज हम जब कहते हैं कि हम तो प्रभु के वचन पर चलने वाले, प्रभु की आज्ञाओं को मानने वाले, प्रभु के वचनों को पढ़ने वाले हैं, लेकिन हम अपने स्वभाव को चेक कर सकते हैं हमारा स्वभाव कितना बदला है। ऐसा नहीं कि प्रभु का वचन हमारे अंदर जाए और काम ना करे। प्रभु का वचन जहां भी जाता है, जो भी उसे स्वीकार करता, उसके प्रकाशन को लेता, ऐसा नहीं कि हमारा स्वभाव ना बदलने पाए। यदि हमारे अंदर चेंजेस हो रहे हैं, यदि हम कहते हैं कि हाँ हमने पहले से अधिक हम प्रभु के कलाम पर मन लगा रहे हैं, प्रभु हमसे बात करता है, तो लेकिन स्वभाव में परिवर्तन क्यों नहीं? तुझमें एक बात की घटी है। प्रेज द लॉर्ड। तुझमें एक बात की घटी है। वो ये सुनकर उदास हो गया कि मुझे तो सब कुछ बेचकर कंगालों को देना होगा, मेरे पास क्या रह जाएगा, मैं कैसे खाऊंगा, मैं कैसे रहूंगा, मेरे बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा। बहुत से ऐसे विचार हमारे अंदर भी आते हैं मेरे प्रियो। हम प्रभु के नाम पर देने के लिए बहुत ही कंजूसी करते हैं, जो कि जबकि हमारा कुछ नहीं, सब कुछ जो भी हमारे पास है, जिसकी सुविधाएं हम ले रहे हैं, जिसका आनंद हम ले रहे हैं, जो ब्लेसिंग हमारे पास है, चाहे वो एजुकेशन के रूप में हो, चाहे अच्छी नौकरियों के रूप में हो, अच्छी सैलरी के रूप में हो, अच्छे बड़े बड़े घरों के रूप में हो, सारी सुख सुविधाएं जो कुछ भी हमारे पास है मेरे प्रियो, वो हमारी कोई योग्यता नहीं जब तक कि प्रेज द लॉर्ड। ये वो व्यक्ति इस बात को नहीं जान पा रहा था। उसे तो इस बात का कि चिंता लग गई थी कि मैं सब कुछ दे दूंगा तो मेरा क्या होगा। उसके बाद लिखा है उसके चेहरे पर उदासी छा गई, उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वो शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था, वो बहुत धनी था। जैसे ही वो गया, यीशु ने चारों ओर देखकर अपने चेलों से कहा, क्योंकि प्रभु जब दूसरे लोगों को जब ये बातें सिखाता था, लोगों के बीच में बातों को उपदेश दिया करता था, तो उसके द्वारा वो अपने चेलों को भी सिखाता था। उसने अपने चेलों से कहा कि धनवानों को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। प्रेज द लॉर्ड। और चेले उसकी बातों से अचंभित हुए। इस पर यीशु ने फिर उनको उत्तर दिया, हे बालको, जो धन पर भरोसा रखते हैं उनके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। यस, कैसा कठिन है, क्योंकि भरोसा हमारा
धन पर है, भरोसा हमारा दूसरे मनुष्यों पर है, भरोसा हमारा अपने फैमिली मेंबर्स पर है। लेकिन जब कभी जब ये जो सच्चाई हम अपने जीवन में देखते हैं ना मेरे प्रियो, कि जब हमारे घर के अजीज बीमार होते हैं, ये सब अपने परिवारों में देखते हैं, जब हम हमारी शादी होती है, हमारे पास जब बच्चे पैदा होते हैं, प्रभु की आशीष मिलती है, उन्हें जरा से भी खांसी होती है, जरा से भी जुकाम हो जाता है, माँ बाप परेशान हो जाते हैं, उसे लिए लिए वो डॉक्टर के पास दौड़ते हैं, ना तो उस समय देखते हैं क्या समय हो रहा है, क्या खर्चा हो रहा है, छुट्टी लेनी पड़ रही हो, कुछ भी करना पड़ रहा हो, बहुत से डांट खानी पड़ रही हो, लेकिन वो अपने बच्चों को इधर उधर लेकर डॉक्टर्स के पास जाते हैं। लेकिन वही माँ बाप जब बुढ़ापे में बीमार होते हैं मेरे प्रियो, तो बच्चे क्या जवाब देते हैं, पापा मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे जाना पड़ेगा, मुझे नौकरी पर जाना है, मेरा बॉस मुझे डांटेगा, मेरी सैलरी कट जाएगी। हम भरोसा किस पर रख रहे हैं, अपने अपने अजीजों पर, अपने लोगों पर, अपने धन पर। लेकिन जो भरोसा हमें परमेश्वर पर रखना चाहिए, जो सदैव हमारे साथ है, हम पर दया करता है, हम पर दृष्टि डाले रखता है, हमारे मन के हाल को जानता है मेरे प्रियो, हम उस पर भरोसा नहीं रखते। प्रेज द लॉर्ड, जो सब कुछ हमें देता है, जो जिसके द्वारा सारी ब्लेसिंग्स हमें मिली हैं, हम उसके पास आना ही नहीं चाहते। हमारे पास समय नहीं है उसको धन्यवादी के लिए, दो शब्द कहने के लिए भी। हम यदि जाते हैं तो अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए जाते हैं, अपनी लिस्ट को लेके जाते हैं कि प्रभु मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, उन्हें अच्छी एजुकेशन देना, उन्हें अच्छी नौकरियां देना, इस संसार की सारी सुविधाएं देना, चाहे वो आत्मिक रूप से क्यों ना कमजोर हो जाए, चाहे वो सारी वस्तुएं हमारे बच्चों को मिल पाए। क्या हमने इस बात की चिंता की कि हमारे बच्चे प्रभु में कितना है, प्रभु के वचन को कितना पढ़ते हैं, प्रभु के भवन में जा रहे हैं नहीं जा रहे, उनकी संगति कहाँ है? लेकिन शायद हमारी दृष्टि में ऊंचे परिवारों के साथ, धनवान लोगों के साथ संगति करने में शायद स्टैंडर्ड को हम ऊंचा मानते हैं। लेकिन यदि यदि वो उन लोगों की संगति में बैठते हैं जो प्रभु के नजदीक होते हैं, तो उनका मजाक उड़ाया जाता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए तो परमेश्वर का वचन सिखाता है कि हमें कैसी संगति में नहीं बैठना, दुष्टों की संगति में नहीं बैठना, उनके मार्ग में भी नहीं खड़ा होना। प्रभु का वचन हमें सिखाता है ऐसे लोग जो परमेश्वर से दूर रहते हैं, जिनका मन परमेश्वर से दूर होता है, उनसे अलग हो जाओ, उनकी संगति में मत बैठो। जिस प्रकार से हम माता पिता नहीं चाहते कि हमारे बच्चे बुरी संगति में जाएं, हम हर समय उन पर दृष्टि डाले रहते हैं, नजर डाले रहते हैं, बार बार प्रश्न पूछते हैं, हाँ भाई बेटा कहाँ गए थे, कौन से फ्रेंड्स के पास गए थे, कहाँ पर क्या काम कर रहे थे, इतनी देर क्यों हो गई, हम नजरें गड़ाए रहते हैं। लेकिन क्या हमने यहाँ नजरें गड़ाई कि हमारे बच्चे स्पिरिचुअली तौर पर कहाँ जा रहे हैं, आत्मिक जीवन क्या है? प्रभु को कोई मतलब नहीं है कि हम कितने धनवान हैं, कितने गरीब हैं, कितनी कारें हैं, हमारे घर में कितने कमरे हैं, उनको उसको कोई मतलब नहीं है। प्रभु हमारे मन को देखता, हमारा मन कहाँ लगा है। प्रभु ने हम सबको अपने हाथों पे बनाया, अपने हाथों से बनाया, अपने स्वरूप को अपनी समानता से रचा है। ये संसारिक वस्तुएं तो ऑलरेडी प्रभु पहले ही दे चुका था आदम को बनाने से पहले, लेकिन अब हम अब तक संसारिक वस्तुओं को पाने की होड़ में लगे हैं। लेकिन आज हमें ये जानने की जरूरत है, क्या हम प्रभु को पाने के लिए, प्रभु के साथ संगति करने के लिए, उस अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए, उसके राज्य में प्रवेश होने के लिए, हम क्या ये सब चीजें छोड़ सकते हैं जो प्रभु के और हमारे बीच में बाधक है। हालेलुया। प्रभु ब्लेसिंग्स दे रहा है मेरे प्रियो, ब्लेसिंग्स दे रहा है, वो अपनी ब्लेसिंग्स रोकता नहीं है, वो दया करता है, उसको मालूम है संसार में रहते हमें क्या क्या चीजें चाहिए, चाहे टेक्नोलॉजी दिन प्रतिदिन अपडेट हो रही है, उसके अकॉर्डिंग हमें सब कुछ मिल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी हम परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए उसके पास नहीं आते, उसको धन्यवाद नहीं देते, तो सिर्फ उसको धन्यवाद के अलावा कुछ नहीं चाहिए, और हमारे पास है ही क्या जो हम उसे कुछ दे सके। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने हम मनुष्यों की रचना इसी कारण से की ताकि इस पृथ्वी
जीवन से हम उसको महिमा दे सके, उसके नाम की गवाही दे सके। क्या हम हर कामों में, हर विचारों में क्या प्रभु को धन्यवाद देते? प्रभु तेरा धन्यवाद हो जो हम ऐसे ब्लेसिंग्स हमारे पास है। प्रभु तेरा धन्यवाद हो जो अच्छी नौकरी तूने हमें दी। प्रभु तेरा धन्यवाद हो तूने इतने अच्छे बच्चे दिए। प्रभु तेरा धन्यवाद हो हम अच्छे चर्च के सदस्य हैं। प्रभु तेरा हम धन्यवाद देते कि तूने ऐसा पासवान हमें दिया, ऐसा चरवा दिया जो तेरे मार्ग पर हमें ले जाता है। प्रभु तेरा धन्यवाद हो हमारे जीवन के लिए। हम जो कुछ भी हैं तेरे अनुग्रह से हैं, प्रेज द लॉर्ड। और बाकी जीवन में जितने भी शेष जीवन हमारे बचे हैं प्रभु, तेरी महिमा के लिए हम इस्तेमाल होने पाए, तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल होने पाए। प्रभु आपसे ये नहीं पूछेगा कि तुमने इस संसार में रहकर कितनी दौलत कमाई, कितने घर बना लिए, कितनी गाड़ियां तेरे पास थी, तू रोज क्या क्या करता था ना, वो ये नहीं पूछेगा। प्रभु ये पूछेगा तूने मेरे राज्य को बढ़ाने के लिए क्या काम किए। हालेलुया, तूने मेरे राज्य को बढ़ाने के लिए क्या काम किए। तूने कितने लोगों को मेरा सुसमाचार सुनाया, तूने कितने लोगों को मेरे बारे में बताया। क्या तूने बताया कि अब जो हम लैंड डेज में चल रहे हैं क्या करते हैं हम इन दिनों? क्या तू ये बता रहा है कि आने वाले समय में क्या होगा? प्रभु यीशु मसीह क्यों क्रूस पर चढ़ाया गया? यह सिर्फ मसीहों के लिए। हमारे पास समय है मेरे प्रियो, जब भी समय मिले प्रभु के बारे में आप जरूर बताएं। प्रभु ने यही ड्यूटी हमें दी है, इसीलिए हमें अभी तक बचाया है, नया जीवन दिया है इस कोविड के बाद। हालेलुया, परमेश्वर का वचन आज हमसे यही सिखा रहा है मेरे प्रियो। अपने आप पे घमंड ना करें कि हम धर्मी हैं। बाइबल पढ़ने से, प्रचार करने से ये काफी नहीं। परमेश्वर, हम यदि कहते हैं विश्वास करते हैं मेरे प्रिय प्रभु, विश्वास करने वालों को नहीं लेने आएगा। जो विश्वास योग्य रहेंगे, जो विश्वासी बने रहेंगे अंत तक, प्रभु ने लेने आएगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को बताए से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद 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 देते प्रभु जी सुंदर समय के लिए। एक बार फिर से खुदावन जी आपने मुझे अवसर दिया, मौका दिया खुदावन की आपके वचन को मैं सीख सकूं। पिता आपने मुझे इस अवसर दिया पिता परमेश्वर कि हम आज जान पाए खुदावन ईश्वर राजा, में से कोई भी परफेक्ट नहीं, कोई भी सिद्ध नहीं, सिद्ध एक ही है प्रभु यीशु मसीह, आप ही सिद्ध है पिता। और आपने इस सिद्धता को प्रकट किया है कैलवरी क्रूस पर अपना बलिदान देकर पिता। प्रभु जी प्रार्थना विनती करते खुदावन, जिस उद्देश्य से खुदावन आपने हमें इस जमीन पर रखा पिता, उस उद्देश्य को अपने जीवन से हम पूरा कर सके। ऐसा करने के लिए आप अपनी समझ बुद्धि सामर्थ्य से परिपूर्ण करना पिता। जितने भी भाई बहन को दान ईश्वर इस समय आपके संगति में बैठे हैं, हर एक को नाम बनाम आशीष देना पिता। आज का वचन प्रभु जी हर एक के जीवन में प्रभु जी आशीषित होने पाए। हर जन के परिवार जनों को भी प्रभु जी मैं आपके हाथों में सौंप दिए, ताकि हम आगे तक शेयर कर सके पिता, आगे दूसरों को शेयर करके प्रभु ने आशीषित करने वाले बन सके पिता। प्रार्थना विनती करते पिता, जितने भी बीमार हैं, जो किसी न किसी कारण पिता परमेश्वर निराश है, हताश है, उदास है पिता, प्रार्थना विनती करते खुदावन ऋषि राजन पर दया करना खुदावन, उन पर दया करना खुदावन, ताकि पिता परमेश्वर वो आपको देख सके, उस अंधकार से निकलकर ज्योति में आने वाले बन सके पिता। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर, जितने भी लोग खुदावन ऋषि राज आपके वचन की सेवकाई को करते पिता, प्रभु जी होने दीजिए खुदावन, वो सेवाएं प्रभु जी आपकी ओर से आशीषित होने पाए। और आपके वचन के अनुसार धन्य है वो जो प्रभु जी धर्म के कारण सताए जाते हैं, वो धन्य है वो लोग जो प्रभु जी आपके कारण उनकी निंदा की जाती है, धन्य है वो भाई बहन प्रभु जी जो आपके कामों के कारण, आपकी सेवा के कारण, आपके राज्य के बढ़ाने के कारण जेल खानों में डाले जा रहे हैं, सताव में है प्रभु जी, जो विरोध में लोग खड़े प्रभु जी, उन सबको प्रभु यीशु राजा आपकी ओर से ब्लेसिंग मिलती है पिता। हम जानते पिता ये आपका वायदा है कि धन्य हो तुम, लेकिन तुम आनंदित व मगन होना, क्योंकि स्वर्ग में एक बड़ा फल है। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी अपने तमाम भाई बहनों को जो प्रभु जी इस समय आपके राज्य को बढ़ाने के लिए जो कार्य कर रहे हैं, जो सेवा कर रहे हैं, विरोध में है लोग, उन सभी को प्रभु यीशु मसीह में आपके नाम से मांग लेते पिता। और हम जानते पिता परमेश्वर जबकि आपका वचन जब तक पूरा ना होगा तब तक आपका आना ना होगा, जब तक हर एक घुटना आपके सामने न टिकेगा और हर एक जीव आपका अंगीकार न कर लेगी कि यीशु ही प्रभु है। और जो हर एक जन को जी आपके चरणों में लाते पिता परमेश्वर, प्रभु जी वो आपके आपको जानने वाले बन सके पिता।
प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर, आज की रात्रि के लिए खुदावंत हमें प्यारी मीठी नींद दीजिएगा, सुबह का प्रकाश दिखाइएगा, ताकि एक बार फिर से खुदावंत आपके नाम की महिमा के लिए प्रभु अपने जीवन को हम इस्तेमाल कर सके। प्रभु हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बताए से आशीषित करे। और कल के लिए सूचना इस प्रकार से है, कल रात्रि 8 से 9 बजे सिस्टर रेणुका साइलेस जो दिल्ली शहर से हैं, वो प्रभु के वचन को हमारे बीच में बांटेंगी। और यही बहन हर फ्राइडे को, जैसे कि हर सैटरडे को इंग्लिश में वचन को बांटती थी, वो सैटरडे ना होकर वो फ्राइडे को 8 बजे भी परमेश्वर के वचन की सेवकाई करेंगी। अपनी इस प्रिय बहन को अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, और आप सभी भी प्रभु के इन वचनों में बढ़ते चले जाएं और प्रभु के वचन को आप आगे तक शेयर करें, और इसी तरह से हम एक दूसरे को अपनी प्रार्थनाओं में उठाए रखें। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।